सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमान, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल, सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। लगातार हमारी एक सुंदर चर्चा हो रही है जो बहुत ही गुह्य है, गहन है, आध्यात्म के क्षेत्र से जुड़ी हुई है, लेकिन सबके लिए बहुत बहुत आवश्यक है। मोह एक ऐसा विकार जो हमें लगातार दुख दे रहा है। कांटा तो कांटा ही है, कहीं भी रहेगा वो चुभेगा, तकलीफ देगा खुद को भी और दूसरों को भी। इसीलिए शायद गीता में ये महावाक्य आए हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ये नरक के द्वार हैं, ये ऐसे विकार हैं जो खुद को भी और औरों को भी दुख प्रदान करते हैं। लेकिन अब तक हमें ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि हम कैसे इनसे मुक्त हों, और मुक्त हों भी तो क्यों हों, क्या कारण हो, क्या वजह हो इसके पीछे। अब हमें ये बात समझ में आती चली जा रही है कि मोह का त्याग करने से ही हम सुखी रह पाएंगे, न केवल अभी लेकिन आने वाले युग में भी, क्योंकि आने वाला समय बहुत सुंदर और श्रेष्ठ है। कलयुग जा रहा है और एक नूतन सृष्टि सतयुग आ रहा है हम सबके सम्मुख, और वहाँ तो मोह आदि विकार होंगे नहीं। इसीलिए इन पुरानी चीज़ों को, इन दर्द भरी चीज़ों को, इन विकारों को यहीं छोड़कर हमें जाना होगा। एक चीज़ होता है कि हम खुशी खुशी किसी चीज़ को छोड़ दें, और दूसरा होता है कि हम दर्द से, तकलीफ़ से या फिर समय आने पर उसे छोड़ें। समय तो छुड़ा ही देता है किसी भी चीज़ को, इसीलिए हम खुशी से इन चीज़ों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं। यही चर्चा लगातार हमारी भ्राता जी के साथ बनी हुई है। आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। Thanks. लग रहा था कि ये विषय बहुत छोटा सा होगा, लेकिन वास्तव में विषय तो बड़ा ही गहन है, गुह्य है, और केवल चर्चा के लिए नहीं है लेकिन अपने जीवन में लाने के लिए है। तो कल मैंने आपको एक जगह पे छोड़ा था भ्राता जी, कि विनाश एक ऐसा शब्द जिससे सभी लोग भिज्ञ हैं, जानते हैं, और कई बार इससे वो रूबरू हो चुके हैं इस शब्द से कि अब होने वाला है, अब होने वाला है। लगातार ब्रह्मा कुमारियाँ भी कहती हैं कि सृष्टि का विनाश होना है। क्या कोई एक डेट फिक्स है इसकी? बहुत अच्छा प्रश्न है, और पहले से बहुत सारी डेट दी लोगों ने और फेलियर हो गए, तो अब डेट पे तो कोई विश्वास भी नहीं करेगा। और न इसकी एक डेट होती है। एक्चुअली देखिए, संसार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। ये विनाश, हम विनाश न कह के इसको विश्व परिवर्तन शब्द दें कि बुराइयों का विनाश हो जाएगा, जैसे हमने कहा था पाप और पापियों का विनाश हो जाएगा, अच्छाइयाँ आगे कंटिन्यू होंगी। एक नव युग में, एक नूतन सृष्टि के साथ हम प्रवेश करेंगे। इसलिए कोई ऐसा ना सोचे कि यहाँ बिल्कुल वैक्यूम हो जाएगा, जीरो हो जाएगा और जलमग्न हो जाएगी सारी धरती और धरती का भी अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, प्योरिफिकेशन हो जाएगा। तो एक विश्व परिवर्तन की प्रक्रिया से हम गुजर रहे हैं। जैसे हमने चर्चा की थी कि मनुष्य ने प्रकृति को बहुत निर्बल कर दिया है, प्रदूषित कर दिया है, उसको प्योरीफाई करना भी आवश्यक है। इस संसार का विनाश तब तक नहीं होता जब तक इस संसार में रहने वाला हर मनुष्य भगवान को न पुकारे कि हे प्रभु, ये दुनिया रहने लायक नहीं रही है, इसे नष्ट कर दो। ये रहस्य है बहुत अच्छा। ज्यादातर लोग तो पुकार रहे हैं शायद। अब और समय, आप अगले 5 वर्षों में देखेंगे, देखिए 14, 15, 16, 17, 18 तक, सन 2018 तक इस संसार की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जाएगी। और उसमें भी जो बिगड़ाव हम देख रहे हैं
वो परिवारों में आपसी संबंधों में बिगड़ाव जो सबसे खतरनाक होता है, जो तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब पति पत्नी में प्यार ही न रहे, वो जीवन साथी हैं। बात केवल ये नहीं कि बच्चे पैदा कर दिए और बस उनको आगे बढ़ा रहे और यही जीवन है, उनमें मन मुटाव हो। सबके अंदर स्वार्थ इतना बढ़ता जा रहा है, इच्छाएं इतनी बढ़ती जा रही हैं कि संबंधों में खटास पैदा होती जा रही, अलग अलग होने लगे हैं लोग, प्यार बिल्कुल लोप होता जा रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं, पाप बढ़ रहा है, अशांति बढ़ रही है। तो बहुत सारी चीज़ें इस संसार को ऐसी स्थिति में ले जाएंगी 5 सालों में कि बहुत सारे लोग भगवान को पुकारेंगे कि प्रभु ये दुनिया रहने लायक नहीं रही, से नष्ट करो, और वहाँ से होगी विनाश की प्रक्रिया प्रारंभ। और ये प्रक्रिया कम से कम 10 वर्ष चलेगी, मिनिमम 10-12 वर्ष। इसलिए कोई एक डेट उसके लिए बताई नहीं जा सकती, क्योंकि ये विनाश इसके कई मीनिंग होंगे। एक मीनिंग मैंने कहा विश्व परिवर्तन, प्योरिफिकेशन ऑफ एवरीथिंग, और दूसरी एक चीज होगी जो सचमुच भारी भी है, हर व्यक्ति ने जो पाप कर्म किए हैं उनकी सजा। तो ये सृष्टि ही, ये धरा ही एक बार धर्मराज पूरी बन जाएगी, क्योंकि मनुष्य ने पाप बहुत कर लिए हैं और वो सोचता है पापी तो मौज मना रहे हैं, लेकिन पापियों को मौज नहीं रहेगी, केवल पुण्य आत्माएं मौज मनाएंगी। तो परिवर्तन होगा, आत्माओं के प्योरिफिकेशन का ये रास्ता होगा कि उन्हें उनके पाप कर्मों की सजा मिलेगी। तीसरी चीज होगी, इस धरा पर स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन हो जाएगा, हर व्यक्ति पवित्र बनना चाहेगा, हर व्यक्ति स्वयं को जानने का इच्छुक होगा, हर व्यक्ति भगवान की ओर बढ़ेगा, भक्ति की ओर नहीं, उससे अपना नाता जोड़ेगा जिसकी बहुत आवश्यकता है। नाता जुड़ने से उसकी एनर्जी मनुष्य को मिलेगी और वो बहुत सारी चीज़ों को फेस करने के लिए तैयार होगा। उधर विश्व युद्ध भी होगा, क्योंकि ये सब जो एटम बॉम्ब्स बने हैं, किन्हें न्यूट्रॉन बॉम्ब बनाए, किन्हें हाइड्रोजन बॉम्ब बनाए हैं, बड़े केमिकल बॉम्ब्स बना दिए हैं जो मनुष्य को बिल्कुल जला के भस्म कर देगा, उन सब का भी प्रयोग होगा। देखिए युद्धों का इतिहास आप पढ़ें, पहले लोग लाठियों से लड़ा करते थे, लाठियों के आगे लोगों ने भाले बना दिए, भालों से लड़ने लगे, किसी ने तलवार बना दी, फिर तलवारों का प्रचलन हो गया, तलवारों से लड़ने लगे, लोगों ने ढाल बना ली, उसका यूज होने लगा। देखते आ रहे हैं हम, फिर बंदूकें आई, पहले बंदूक थी एक एक गोली भरनी होती थी, उससे लड़ाई शुरू हुई, फिर बंदूक ऑटोमेटिक आ गई, उनसे लड़ाई हुई, अब लड़ाई हो गई मिसाइल्स के माध्यम से, अब एयरफोर्स के द्वारा बहुत सारे नए चीज़ें आ गई, हमारी नेवी में भी बहुत सारी चीज़ें जहाँ तहाँ आ गई, उनसे युद्ध होने लगा। जो चीज़ बनी उसका मनुष्य यूज कर रहा है ना, आज बाजार में बहुत चीज़ें देख लो जो कंस्ट्रक्टिव चीज़ें हैं, बन के आई, मनुष्य ने यूज कर रहा है। घरों में भोजन बनाने में पहले अंगीठियां जला करती थी, धुआं होता था, गर्मी होती थी, अब कितने साधन आ गए, आग भी नहीं, धुआं भी नहीं, भोजन बन रहा है, गृहिणियों के लिए बहुत सारी सुविधा आ गई। जो चीज बन रही है उसका मनुष्य यूज कर रहा है ना? लेकिन ये जो चीजें बनी है व्रता जी, जैसे विनाश की चीजें आपने कही, यद्यपि विनाश के उद्देश्य से बनी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि निशस्त्रीकरण की ओर भी अब तो दुनिया वाले बढ़ रहे हैं, लोगों के अंदर ये आ गया है कि ये बहुत घातक है और यदि हमने इसका इस्तेमाल किया तो संसार तबाह हो जाएगा। और दूसरी ओर हम विश्व शांति की भी बात करते हैं, तो क्या ये संभव नहीं है कि निशस्त्रीकरण एक सही दिशा में बढ़े, ये सारे अस्त्र शस्त्र नष्ट कर दिए जाएं और विश्व शांति इस रूप में हो जाए जिस रूप में आज हम चाहते हैं? देखिए ये निशस्त्रीकरण की बात आज से नहीं, 40 साल से चलती आ रही है, कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, यूएन भी इसमें बहुत सारा काम करता, अभी भी कुछ लोगों ने अपने हथियार नष्ट किए, लेकिन वो दबाव में किए, वो तो नहीं कर रहे ना जो महाशक्तियां हैं, उनके पास तो वो शस्त्र सुरक्षित हैं और कहीं ना कहीं वो उनको अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए उनका चले तो वो विश्व पर राज कर दें। देखो आज भी कई कंट्रीज पर उन्होंने अपना दबाव बनाया इन चीज़ों के आधार से, एक दिन आएगा इनमें आपस में ही विस्फोट हो जाएगा। जैसा मैंने पीछे कहा था कि अब अगले 15-20 सालों में जो कुछ होगा वो प्रभु प्लानिंग के तहत होगा, और वो एक प्लानिंग है
कि इस पापमयी दुनिया को समाप्त करना, जिसका यादगार है कभी महाभारत युद्ध हुआ था, उसमें अग्निबाण छूटे थे, दिव्य अस्त्रों का वर्णन है, वो कर्ण के पास भी थे तो अर्जुन के पास भी थे, वो द्रोणाचार्य के पास भी थे, वो और कई महारथियों के पास भी थे, वो दिव्य अस्त्र और कुछ नहीं है, यही सब है कि एक छोड़ दिया तो अग्नि अग्नि पैदा हो गई, दूसरा छोड़ दिया तो तेज आंधी चलने लगी, तीसरा छोड़ दिया तो बरसात होने लगी, ये सब यही एटम बम जिसको वहां ब्रह्मास्त्र कहा गया है। ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अश्वत्थामा ने, वापिस उसको लेना नहीं आता था। आजकल भी वो सब मिसाइल्स और एटम बॉम्ब्स और हाइड्रोजन बॉम्ब्स बने हैं, ये वही हैं। तो हम महाभारत काल में प्रवेश कर चुके हैं, महाभारत काल रिपीट होकर पुनः हमारे सामने है, और गीता का भगवान पुनः अवतरित होकर सत्य गीता ज्ञान भी दे रहा है, इसलिए ये भी प्रभु प्लानिंग के अंतर्गत होगा। जैसे हमने कहा था, भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाकर कहा, मैं महाकाल हूँ, मैं सभी का संहार करने के लिए ही प्रवृत्त हुआ हूँ। भगवान ने भी हमें कह दिया, मैं महाकाल हूँ, तुम सबको ले जाने के लिए ही आया हूँ। तो उसकी प्लानिंग के अंतर्गत ये विश्व युद्ध होगा ही, वो आपस में संधि करेंगे, शांति की बात करेंगे, क्योंकि अचानक कोई हाइड्रोजन बम नहीं छोड़ देता है, बहुत वार्ताएं होंगी लेकिन सफल नहीं होंगी, क्योंकि वो काल ही ऐसा आएगा, सभी का ईगो टकराएगा, कोई भी झुकने को तैयार नहीं होगा, कोई भी समझौते के लिए तैयार नहीं होगा, और ये विश्व उस तरह की स्थिति में पहुंच जाएगा। फिर भी इच्छा तो होती है भ्राता जी, जैसे अर्जुन को दिखाया गया है कि वो अब तैयार नहीं हो रहे थे युद्ध के लिए, हमारा भी मन कई बार ये तैयार नहीं होता इस चीज़ को स्वीकार करने के लिए कि संसार ऐसी विकट स्थिति से गुजरे। हमारी भी यही शुभ भावना है, ऐसा कौन देखना चाहता, हम तो केवल एक वो चीज बता रहे हैं, कोई ये ना सोचो हम ये चाह रहे हैं, हम तो एक चीज बता रहे हैं कि जो होने जा रहा है। देखिए, मुझे कभी कभी एक विचार और आता है, हमारे वैज्ञानिक इस पर ज्यादा चिंतन करेंगे और विचार करेंगे, एटॉमिक एनर्जी के द्वारा एक बड़ा काम और होगा कि जो इस पूरे स्पेस में बहुत सारी गंदगी हो गई है, अगर इसको एक अच्छे माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो लगेगा सांप तैर रहे हैं, बड़े बड़े बिच्छू घूम रहे हैं, क्या क्या घूम रहा है इस वायुमंडल में, एकदम प्रदूषण से भरा हुआ है हमारा ये सारा वायुमंडल। ये एटॉमिक एनर्जी के द्वारा प्योरीफाई हो जाएगा, सारी गंदगी जलकर नष्ट हो जाएगी। और जैसा मैंने एक दूसरी बात कही थी कि संसार ऐसी स्थिति में पहुंचता जा रहा है कि कोई भी मनुष्य यहाँ रहना नहीं चाहेगा, और फाइनली थर्ड वर्ल्ड वार विल बिकम द मेन कॉज ऑफ पीस, इट विल ब्रिंग पीस ऑन दिस अर्थ। क्योंकि जब शांति के सभी प्रयास निष्फल हो जाते हैं तो इसी तरह से शांति स्थापित की जाती है, ये प्रभु प्लान है, इसको हम विश्व ड्रामा में बनी हुई एक योजना भी कह सकते हैं। तो केवल विनाश ही नहीं होगा, एक नए युग के लिए प्योरिफिकेशन भी होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, जो सूरज पर काम करते हैं वो जानते हैं कि बहुत सालों से, अरबों सालों से चलता आ रहा है, इसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होती जा रही है, ये जो एटॉमिक विस्फोट होंगे इससे इन सभी ग्रहों को, स्टार्स को पुनः एनर्जी प्राप्त होगी, और ये सभी चीज़ें अपनी मूल स्थिति में पहुँचेंगी। तो एक और डिस्ट्रक्टिव स्वरूप है इनका, विनाशकारी स्वरूप, दूसरी ओर कंस्ट्रक्टिव स्वरूप है, इनसे बहुत चीज़ों का निर्माण भी होगा, और हम देखेंगे कि एटॉमिक एनर्जी के यूज करने से बहुत सारी चीज़ें प्योरीफाई भी हो जाएंगी। ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है, क्योंकि एटम बम छूटे नहीं है, वो जो पहले छूटे थे तो बेबी बम थे, तो इसका परिणाम ये घटित होना अवश्यंभावी भी है, क्योंकि मनुष्य संसार में जीना नहीं चाहेगा, वो भगवान से कहेगा हमें एक नई दुनिया चाहिए, हमें एक ऐसा संसार चाहिए जहां हम सुख से श्वास ले सकें, जहां हम चैन की नींद सो सकें, जहां मानवता कायम हो, जहां सभी में एक निश्चल निर्मल प्रेम हो, तो भगवान ये सबकी इच्छा भी पूर्ण करेगा। बिल्कुल, चलिए, ये प्रारूप सुनकर थोड़ा सा भयंकर तो जरूर लग रहा है भ्राता जी, लेकिन जो भी चीजें होती हैं अच्छे के लिए होती हैं, ये हम हमेशा जानते हैं, समझते हैं, और परमात्मा हमारे पिता हैं, वो हमारे लिए कभी भी कुछ बुरी चीज़ तो नहीं होने देंगे, इसीलिए वैसे जाना तो सबको है।
आज नहीं तो कल जाना है, वैसे भी व्यक्ति वृद्ध होके जाता ही है, लेकिन चाहना रहती है कि जब हम जाएं ऐसे जाएं अच्छे से कि किसी को कोई तकलीफ ना हो, ना केवल मैं लेकिन कोई भी जाए तो सभी ऐसे आराम से जाएं, सहज जाएं, ऐसी एक कामना रहती है। तो इसीलिए विशेष करके एक जानकारी की आवश्यकता महसूस हो रही थी। भ्रता जी, बहुत गहरी बातें आपने कह दी हैं, इस पर चिंतन तो अवश्य करेंगे कि न केवल ये जो विनाश है बल्कि ये एक स्थापना को लाने वाला है, एक सुंदर सृष्टि को लाने वाला है। शायद जब हम उस चीज पर विचार करते हैं तो लगता है कि शायद ये बहुत ज्यादा कल्याणकारी है। बिल्कुल, जैसे मैं कहूँ, एक कोई परिवार एक मकान में रह रहा है जी। अभी मकान 100 साल पुराना हो गया। मेरे पास एक परिवार आया था अभी बेंगलोर में, उनका मकान 100 साल पुराना। अब वो मेरे से पूछ रहे थे इसको बेच दें, गिरा दें, नया बना लें। बिल्कुल सीधी सी बात है, 100 साल पुराना मकान तो जर्जरीभूत हो जाता है, बहुत बड़ा मकान है, उसको गिरा के नया बनाना ही उचित है। लेकिन जब उसको गिराया जाएगा तो कैसा लगेगा लोगों को, 100 साल से बिल्डिंग खड़ी थी, इन्होंने गिरा दी। लेकिन जब नया खड़ा होगा तब प्ररूप कितना सुंदर होगा जी। तो यही बात ही सृष्टि की है, ये नई पुरानी होती फिर पुरानी से नई बनती है। तो जब पुरानी को गिराया जाता है तो लगता तो है बड़ी सुंदर थी, रह रहे थे मजे से, लेकिन जब नई बन जाएगी तो लगेगा इट वॉज रियली वेरी गुड। जैसे आपने कहा, सब कुछ अच्छाई के लिए होता है, और भगवान तो हमारे पिता हैं, वो भला अपने बच्चों को कष्ट थोड़ा ही देंगे, वो तो सबके कष्ट निवारण के लिए आए हैं। और कष्ट निवारण के लिए ये सब काम होंगे कि थोड़ा सा कष्ट और हजारों साल तक आनंद सुख शांति हो जाए। ये बहुत अच्छी बात भ्राता जी आपने कही। जैसे कई बार हमें कड़वी दवा पीनी पड़ती है थोड़े समय के लिए, लेकिन फिर लंबे समय तक हम स्वस्थ रहते हैं, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती। शायद ये भी ऐसी ही एक प्रक्रिया होगी, थोड़ी तकलीफ तो अवश्य प्रतीत होती है हमें कि जब कभी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो, लेकिन शायद एक लंबे समय के लिए एक नूतन सृष्टि में हम सब आनंदित रहेंगे। एक दूसरी चीज जो भ्राता जी इसके साथ जुड़ी हुई है, जिससे हमने चर्चा पहले प्रारंभ की थी, नष्टोमोहा के साथ स्मृति स्वरूप, जो मुझे लगता है कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, योगियों और साधकों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही हमारे अन्य भाई बहनों के लिए। कैसे अपने आप को हम स्मृति स्वरूप बनाएं, कैसे उसकी स्मृति में लगे रहें, और ये स्मृति स्वरूप स्थिति क्या है, उसके साथ साथ इससे लाभ क्या है, वो भी जरूर प्रकाश मिलाएं। किसी मनुष्य के जीवन में 20 साल पहले कोई, मान लो मैं एक निगेटिव बात कहूं, बड़ी दुखद घटना हुई हो, 20 साल के बाद आज वो घर में बैठा और उसे वो याद आ गई, तो वही दुख की फीलिंग फिर होने लगेगी। बिल्कुल। किसी के जीवन में 5 साल पहले बहुत एक एंजॉयमेंट वाली चीज हुई हो, आज उसे याद आ गया तो वो यहीं बैठे बैठे बहुत एंजॉय करेगा। तो जैसी चीज हमें याद आती है, इसको कहते हैं स्मृति। स्मृति माना याद आना, वैसा ही हमारा स्वरूप बन जाता है। माता जी बैठी बैठी आंसू बहा रही, बच्चे ने पूछा मम्मी क्या हुआ, वही कुछ याद आ गया। तो जो याद आया उसका स्वरूप बन गया। हमें भी जो चीजें याद आ जाएंगी, जो हम भूले हुए हैं, हमारा जीवन उसका स्वरूप बन जाएगा, हमारा मन उसका स्वरूप बन जाएगा। अब याद आने की बात तब संभव है जब भगवान आकर हमें स्वयं याद दिलाते हैं, क्योंकि बात पूरे 5000 साल की है, सत्ययुग त्रेता द्वापर और कलयुग की है। जब से हम परमधाम घर से आए थे तब से बात है, तो भगवान ने इस समय आकर हमें याद दिलाया, बच्चे तुम आत्माएं हो, पहली स्मृति ये दिलाई, और हम में से सबको याद आ गया, हम ये देह नहीं हैं, देह तो हम बदलते आए हैं, अब इस देह में हैं, कल किसी और देह में होंगे। दूसरा याद दिलाया कि संसार में आने से पहले तुम आत्माएं मुक्तिधाम में थी, जो मेरा धाम है, जो तुम्हारा असली घर है, जिसे तुम सब भूल गए हो, कोई नहीं जानता हम कहां से आए हैं। किसी बड़े विद्वान से बस केवल इतना ही कहते हैं कि ऊपर से आए हैं और ऊपर ही जाना, ऊपर की ओर देखते जी, हैं जी। तो याद दिलाया तुम तो मुक्तिधाम से आए थे, और जब तुम आए तो परफेक्ट थे, तुम मुक्त थे वहां, तो मुक्त थे। याद दिलाया, याद आया, हमें याद आया, और हम उस स्थिति को फील करने लगे, जैसे मैंने कहा था माँ बैठे बैठे रोने लगी, हम उस गहन शांति को फील करने लगे। फिर याद दिलाया कि तुम जब पहले पहले वहां से संसार में आए
तो तुम सतयुग में आए थे, वो देव युग था, तुम परफेक्ट थे, तुम सर्वगुण संपन्न थे, तुम संपूर्ण पवित्र थे, वहाँ प्रकृति सतो प्रधान थी, ये संसार धन धान्य से भरपूर था, रोग शोक ये सब जो आजकल तामझाम है ना, पुलिस जेल कोर्ट मिलिट ये सब नहीं थे। हमें याद आ गया, दो युग हमारे ऐसे बीते, सतयुग बीता, कितने ही जन्म हमने लिए, त्रेता बीता, देव रूप में हमने बिताए, फिर पूरा याद दिला दिया कैसे तुम्हारा पतन हुआ, द्वापर में तुम आए, धीरे धीरे तुमने पाप शुरू किए, तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए और करते करते तुम अब एंड में आ गए, तुम मुझे पुकार रहे थे, मैं आ गया हूँ, तुमने मुझे बुलाया बहुत समय से, अब अपने समय पर मैं आ गया हूँ, अब उसने आकर हमें बहुत चीजें याद दिला दी और कहा अब ये 5000 साल का खेल पूरा हो रहा है, अब तुम्हें चलना है वापस वहीं जहाँ से तुम आए थे, लेकिन चलने से पहले वैसा ही बनना है जैसे तुम आए थे, तुम परफेक्ट उतरे थे, परफेक्ट होकर ही तुम्हें वापस जाना है, और कैसे परफेक्ट होना है उसके लिए राजयोग सिखा दिया, ये सब स्मृतियां दिलाई, तो हम उन्हें याद करने लगे। देखिए 5000 साल पहले की बात, 4000 साल पहले की बात, 2000 साल पहले की बात, लेकिन जैसे जैसे हमें भगवान ने याद दिलाया, आत्मिक स्मृति दिलाई, तो हमें वो याद आ गया और हम उसका स्वरूप बनने लगे, ये हमारी साधनाएं हैं। बिल्कुल, तो ये सारी स्मृतियाँ वास्तव में क्या हमें नष्टो मोहा भी बनाती है प्रताप जी, क्योंकि दोनों शब्द जुड़े हुए हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं इन दोनों का बहुत गहरा संबंध है। नष्टो मोह तब बनेंगे शायद जब ये जो स्मृतियां जो परमात्मा ने हमें दिलाई हैं वो हमारे पास रहे। जैसे अर्जुन को दिखाया कि जब स्मृति आ गई तब उसका मोह नष्ट हुआ था, तो पहले है स्मृति स्वरूप स्थिति, स्मृति आने लगी तुम ये देह नहीं हो, तो देह से ममत्व छूटा, स्मृति आने लगी जो ये तुमने संसार रचा है इसको तो छोड़ के तुम्हें जाना है, तुम्हारा संसार तो बहुत सुंदर है, उससे मोह छूटने लगा, तो स्मृति स्वरूप होते होते मोह छूटने लगता है, और मोह छूटने से जीवन बहुत सुखी हो जाता है, मन आनंदित हो जाता है, एनर्जेटिक होता है, और हम जीवन की यात्रा का भरपूर सुख लेते हैं। बहुत अच्छा होता यदि इन्हीं स्मृतियों में हम रहते बेहतर जी, लेकिन ये नहीं होता, हम इन स्मृतियों की बजाय और जो दूसरी स्मृतियां हमारे अंदर भरी हुई हैं वो बार बार आती रहती हैं, तो लगता है कि ये जो मूल स्मृतियां जिनकी बात आप कर रहे हैं कि परमात्मा ने अब हमें दिलाई हैं वो तो शायद याद ही नहीं रहता कि अब जाना भी है या हम आत्मा हैं या फिर आना है या कैसे कैसे हमने ये चक्र लगाया है, बाकी दूसरी स्मृतियां रहती हैं, तो ये जो दूसरी स्मृतियां हैं वो हटती चली जाएं और इन मूल स्मृतियों में हम सदा बने रहें, इसके लिए क्या किया जाए? बिल्कुल अच्छी बात है, जैसे याद हो आपको पहले हमारे पास कैसेट्स होती थी, उनमें कुछ भरा होता था, गीत भरे लेक्चर भरा, हम दूसरा उनमें भर दें तो पहला डिलीट हो जाता था जी। तो ये जो पुरानी बहुत पास्ट की निगेटिव एनर्जी भी, निगेटिव स्मृतियाँ भी बहुत हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भरी हुई हैं, जिसको मनोवैज्ञानिक अनकॉन्शियस माइंड कह देते हैं, जब एक्टिव नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड की एक्टिव होती रहती है, अनकॉन्शियस माइंड की एक्टिव नहीं होती, लेकिन गोल्डन एज की सुंदर स्मृतियाँ भी अनकॉन्शियस माइंड में हैं, तो जैसे जैसे हम नया रिकॉर्ड करते जाएंगे तो पुराना डिलीट होता जाएगा, और यही चीज हमें ईश्वरीय ज्ञान से प्राप्त होती है कि नई स्मृतियां हमारे पास बहुत आए, इसलिए हमारी स्पिरिचुअल साधना करने वाले लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हम अपने 5 स्वरूपों को याद करें, हमारा देव स्वरूप, हमारा पूज्य स्वरूप, हमारा ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप और आत्मिक स्वरूप, इन्हें याद करते करते नई सुंदर स्मृतियां प्रिंट होती जाएंगी, पुरानी स्मृतियाँ डिलीट होती जाएंगी और हम बहुत फ्रेश होते जाएंगे, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अनकॉन्शियस माइंड क्लीन होता जाएगा, मैं नो स्मृति, पुरानी कुछ है ही नहीं, जो हम नई प्रिंट करेंगे केवल वही रहेंगी और उसका हमें बहुत सुख मिलेगा, हम उसको बहुत एंजॉय करेंगे। तो ये तरीका है, रोज रोज जब हम सवेरे ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं तो
शिव बाबा हमें स्मृतियाँ ही तो दिलाते हैं, शिव बाबा आके लेक्चर नहीं करते थे, आत्माओं को देखकर उन्हें बहुत कुछ याद दिलाते थे, याद दिलाते हैं, और वो हमें याद आने लगता है। भगवान जब बैठ के याद दिलाए कि तुम्हें भूल गया 2000 साल पहले तुमने ये किया था, हमें याद आने लगता है। तो वो स्मृति भरते भरते पास्ट की जो निगेटिव स्मृतियां हैं जो आजकल बहुत चलती हैं जिससे मनुष्य दुखी है, वो खत्म होने लगती हैं और हम जीवन की यात्रा को सुखद लेते हैं। व्रता जी, ये तो जो साधना के मार्ग में चल रहे हैं, आपने बहुत सुंदर पांच स्वरूपों की एक अच्छा अभ्यास बता दिया, या साथ ही मुरली का वो रोज ही श्रवण करते हैं, लेकिन जो हमारे भाई बहन जो अभी घरों में रहते हैं या विद्यालय से नहीं जुड़े हुए हैं, वो अपनी इन जो पुरानी स्मृतियां हैं जो ज्यादातर दुखद हैं, जिन्हें याद करके वो परेशान होते रहते हैं, वो क्या अभ्यास करें ताकि पुरानी स्मृतियां नष्ट हों और ये जो सुंदर स्मृतियां परमात्मा ने हमें दिलाई हैं उनमें रह करके वो अपने जीवन का उन्हें भी ईश्वरीय ज्ञान लेना ही होगा, अपने बारे में रियलिटी को जानना होगा, उन्हें थोड़ा सा वक्त निकालकर वो राजयोग सीखें। और फिर राजयोग में एक बहुत अच्छी चीज सिखाई जाती है स्वमान, उसकी वो बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो पास्ट की जो स्मृतियां उन्हें कष्ट दे रही हैं वो नष्ट हो जाएंगे और स्वमान की स्थिति से उन्हें बहुत अच्छी फीलिंग होगी। बहुत सुंदर। चलिए व्रता जी, आज ये जो गहन चर्चा हमारी रही है, वास्तव में मुझे इतनी गहन लग रही है, तो मैं समझता हूँ सभी हमारे जो दर्शक हैं उन्हें भी बहुत गहन लग रही हो, लेकिन इस पर चिंतन जरूर वो करें और इससे अपने जीवन में ला करके पुरानी स्मृतियों से मुक्त होते जाएंगे, ऐसा हम उम्मीद रखते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, वास्तव में आज की जो चर्चा हमारी रही है, क्या होने वाला है भविष्य में संसार का, बहुत ही गुह्य है, गहन है, विचारणीय है, डर की बात नहीं है, लेकिन केवल एक जानकारी की बात है। जैसे सुनामी आने वाली हो तो उसका भी फोरकास्ट किया जाता है, भविष्यवाणी किया जाता है कि भाई अपनी अपनी व्यवस्था कर लें, या भूकंप आने वाला है तो भी उसकी भविष्यवाणी कर दी जाती है। तो अब परमात्मा ने भी, जैसे भ्राता जी कह रहे थे, महाकाल हैं वो, संसार की सब आत्माओं को ले चलने के लिए आए हैं। न केवल ले चलेंगे, लेकिन एक सुखद समाचार ये कि जैसे घर बहुत पुराना हो गया हो, 200-300 साल पुराना हो, जगह जगह से वो चू रहा हो, टूटा हुआ हो, बरसात में भी हमें परेशानी हो रही हो, दीवारें टूटी हुई हों, तो घर का मालिक ये करता है कि घर को गिराकर एक नया घर बनाता है। परमात्मा इस सृष्टि के नियंता हैं, हम सब के माता पिता हैं, दुख हरता सुख करता हैं, वो हमारा कल्याण चाहते हैं, इसीलिए उन्हें परमात्मा शिव कहते हैं। तो वो भी अब इस पुरानी सृष्टि की जगह पे एक नूतन सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं, जिसे हम स्वर्ग कहते हैं, बहिस्त कहते हैं, हेवन कहते हैं, और उसी के लिए वास्तव में अब हम सबको तैयार होने की आवश्यकता है। लगातार जो हम चर्चा कर रहे थे, एसेंस रूप में यही है कि अब हम सबको उस नूतन सृष्टि के लिए अपने आप को तैयार करना है। परमात्मा दिव्य गुणों से हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, परमात्मा हमें वो शक्ति प्रदान कर रहे हैं, परमात्मा हमें स्मृतियां दिला रहे हैं। अब उन स्मृतियों में रह करके हमें पास्ट को भूलते हुए एक नए भविष्य की ओर बढ़ते चलना है। नई बात है लेकिन विचारणीय है, चिंतनीय है, इसलिए इस पर जरूर विचार कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा। आशा है कि आपको ये बातें बहुत बहुत गहराई से सुकून प्रदान करेंगी और भविष्य के लिए तैयार करेंगे। नमस्कार।